मैं हूँ डॉक्टर संपूर्णा घोष। आई एम एन ईएनटी सर्जन प्रैक्टिसिंग इन हैदराबाद। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक भयानक डिजीज के बारे में जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। आप लोग सोचेंगे कि कोविड टाइम पे मैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में क्यों बोल रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल डिजीज है जो उतना कॉमन नहीं होता है, काफ़ी रेयर हुआ करता था पहले, लेकिन अभी कोविड के बाद ऑल द ईएनटी सर्जन्स हर महीने हम लोगों को बहुत सारा केस मिल रहा है म्यूकोरमाइकोसिस का। और ये क्यों है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि किनको किसको होता है ये म्यूकोरमाइकोसिस कोविड के बाद। 99% केसेस जो हम लोग देख रहे हैं ये लोग डायबिटिक है और कोविड का ट्रीटमेंट हुआ है हॉस्पिटल में, उस टाइम पे इन लोगों को स्टेरॉयड मिला है। स्टेरॉयड, डायबिटीज एंड कोविड, ये तीनों फैक्टर इम्यूनिटी को इतना डाउन कर देते हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये फंगस पहले नाक से और साइनस से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये आंखों की तरफ और ब्रेन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसको डेंजरस इतना क्यों बोला जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये फंगस बहुत जल्दी स्प्रेड करने का क्षमता रखते हैं। और वो कैसे स्प्रेड करते हैं? ब्लड वेसल के थ्रू, इसका मतलब है कि वेन्स और आर्टरी के थ्रू। और इसके चलते हुए अगर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया जाता है तो पेशेंट का मॉर्टिलिटी का चांस हाई होता है। 70-80% मॉर्टिलिटी रेट, ओनली 20-30% इज सर्वाइवल रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका सिम्टम्स क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ये स्टार्ट हो चुका है। तो अगर कोई पेशेंट कोविड से ठीक हो रहा है, जो डायबिटिक है, उनका एक नाक से खून आ रहा है या नाक बंद हो जा रहा है, साथ ही साथ चीक बोन में स्वेलिंग आ रहा है, रेडनेस इन द आई, पेन अराउंड दिस रीजियन, ये प्राथमिक सिम्टम्स होता है म्यूकोरमाइकोसिस का। ऐसा सिम्टम्स अगर किसी को भी स्टार्ट हुआ है तो कैजुअली नहीं लेना है और ज़रूर ईएनटी डॉक्टर के पास आना है म्यूकोरमाइकोसिस रूल आउट करने के लिए। अगर मान लो कि हाँ ये म्यूकोरमाइकोसिस का जैसा सिम्टम्स है तो इलाज क्या है इस चीज़ का? म्यूकर का ट्रीटमेंट वन इज एंटीफंगल इंजेक्शंस, जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, और उसके साथ साथ सर्जरी। जिन जिन जगह पे फंगस फैल चुके हैं पहले सीटी स्कैन और एमआरआई करते हुए हम लोगों को समझ में आता है, और वो पूरा जगह से एंडोस्कोपिकली वो फंगस को निकाला जाता है, साथ ही साथ एंटीफंगल थेरेपी चालू रखना है। जितना लोग अभी भी सर्वाइव किए हैं मेरे एक्सपीरियंस में और मेरा सीनियर ईएनटी सर्जन्स के एक्सपीरियंस में, ज़्यादातर लोगों को एक सर्जरी में काम ख़त्म नहीं होता है, कभी कभी सेकेंड और थर्ड स्टेज का सर्जरीज का भी ज़रूरत होता है। तो जितना दूर तक फंगस फैलते हैं हम लोग को उतना दूर तक ट्रैक करके उसको निकाल देना है, और एंटीफंगल जो इंजेक्शन है जो काफ़ी कॉस्टली भी है उसको कई कबार 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks तक कंटिन्यू करने का ज़रूरत होता है। द लास्ट क्वेश्चन यही है कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि कोविड के बाद म्यूकोरमाइकोसिस ना हो या फिर म्यूकोरमाइकोसिस से बाहर निकलने के लिए। सो द मेन थिंग इज अगर किसी के कोविड हुआ है और जिनका शुगर हाई है, ऐसा केसेस में स्टेरॉयड जितना देर दूर तक हो सकता है स्टेरॉयड को बिल्कुल अवॉइड करना। स्टेरॉयड क्या क्या मेडिसिन है, कॉमन ब्रांड नेम्स आई विल टेल यू। वन इज इंजेक्शन डेकाड्रॉन, अदर्स आर इन टैबलेट फॉर्म जो कभी कभी मिड्रॉल नाम पे आते हैं, प्रेडमेट, डिफकॉट, ये सब स्टेरॉयड टैबलेट्स है। तो डायबिटिक में ना ही यूज़ करें तो बेटर है। अगर लंग का स्थिति खराब है और उसके लिए स्टेरॉयड देना ही है तो वो डोज जितना कम हो सकता है और जितना जल्दी ख़त्म किया जा सकता है उतना ही बेहतर है। थैंक यू।